और राशन कार्ड में 4 किलो चावल, अब ये लोग झोला थमाए हैं ये भाजपा वाले, एक दिन कटोरा थमाएंगे, ये नोट कर लीजिए। अभी आपको, हाँ बिल्कुल, अभी आपको झोला दिए ना, एक दिन कटोरा देंगे ये सब। हाँ नोट कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए इसको, आपको कटोरा मिलेगा, कटोरा भीख मांगेंगे आप लोग, आप लोग खुद भीख मांगेंगे, आप लोग देखिएगा आप लोग की क्या दशाएं होंगी। आप लोग का अखबार कोई नहीं पढ़ेगा, मीडिया वालों की बात नहीं कोई सुनेगा, ये देख लीजिएगा आप लोगों का भी भविष्य भी नाश होगा। आपको डर नहीं लगता? कहाँ कौन डर है, बोलता हूँ गोली मरवा देगा क्या नरेंद्र मोदी हमको? मैं बदमाश हूँ का? मैं मुख्तार अंसारी हूँ का? अतीक अहमद हूँ क्या? तिलबल बताए तो मैं किसी का लूट के गया, घसोट करके की जमीन लेके, किसी प्रॉपर्टी लेके मैं खाया हूँ का? मतलब 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, केवल ठगी बेईमानी हुआ है, कुछ नहीं हुआ, रेलवे पेलवे सब बेचा है, कुछ नहीं किया है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ बचा वचा खुचा है तो वही कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है। सबूत देने दिया अभी आप हम कहते केवल ये मदारी है तो आप कहते कि भाई चूतिया आदमी है, प्रदेश के प्रधानमंत्री को मदारी कहता है, डमरू बजाए कि नहीं मुख्यमंत्री? जो डमरू बजाए उसको क्या कहेंगे? मदारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और जो नाचेगा तो उसको नचनिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कौन नाचता है? अरे ये सब देश के गद्दार है, गद्दार गद्दार गद्दार। अभी योगी जी यहाँ आए थे, खेल खेल के मैदान का शिलान्यास किए हैं, और आप क्यों इतना नाराज क्यों हैं? अरे भाई ऐसा है, नाराज होने वाली बात ही है। क्यों? यहाँ पर हम लोग के बस ये मेडिकल के जस्ट सामने जमीन है, झोपड़ी डाले जगह नहीं है, जमीन जो हमारे ले ले बात, हम कहाँ जाए केकरे घर जाए? वो आपकी जमीन है तो फिर कुरा और किसका है? तो फिर कैसे सरकार ले ले रही है? तो वो तो बिना मुआवजा दिए हुए सब इंटरी करके नाम हम काट करके अपना नाम चढ़ा ली है, ये की है ऐसी बात है? हाँ हाँ भाई, नाम बिना मुआवजा दिए नाम काट दिया, नाम अपना चढ़ा उड़ा लिए। वो जी देखिए जो शिलान्यास योगी जी किए हैं अभी, हाँ कोई मुआवजा नहीं दिया है, ये लोग की जमीन है उसको हड़प लिए बता। हाँ माफिया भाई सब, जीडीए विभाग, हाँ ये सब माफिया है, ये सब आरएसएस वाले हैं, देश के चलाने वाले नहीं, इनके देश को बेचने वाले हैं। हाँ खुद आप देख लीजिए, रेलवे को बेच दिया, ये आरएसएस वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट के दलाल हैं, ये देशभक्ति की भावना नहीं है। ये 12-13 करोड़ में ये कम ये लोग जानते हैं, जो टेंट बेंट लगाया ना, जो टेंट बेंट लगाने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा टेंट बेंट लगाने की क्या जरूरत थी? छोटा मेरा आप चलिए, आप छोटा मोटा काम करिए। आपने ही कानून बनाया कि सर्किल रेट का देहात की जमीन का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, और सिटी की जमीन का 2 गुना मुआवजा सर्किल रेट दिया। कहाँ सर्किल रेट उठ रहा है? कुछ है? हम लोग उसको मुआवजा दिए हैं, वो बता देंगे योगी मुख्यमंत्री? वो कहते हैं, आप पूछिएगा जाके आप लोग कि आपने उसका जमीन का मुआवजा दिया है, जिस जमीन पर आप शिलान्यास किए हैं उस जमीन का मुआवजा दिया है? वो तो कह रहे हैं जमीन नहीं हम देंगे, कोर्ट तो बाकी है ना अभी। भाई आप कुछ करिए, हम कुछ करें, कोर्ट तो अलग चीज है ना। यानी आपको एक पैसे नहीं दिया गया? एक पैसा नहीं। अरे पैसा छोड़ दिया, पैसा दिखाया भी नहीं गया है, पैसा तो छोड़ दीजिए देने को। अरे पैसा दिखाया भी नहीं गया, कहीं तो पैसा वहाँ भाई हम धारा तो बाटी। हाँ भाई फ्री में ले लिए? फ्री में कैसे? आप माने नामा इंटरव्यू वो फर्जी माना जाएगा, वो कोर्ट का काम है, कोर्ट कैंसिल कर देगी बिल्कुल। या आप किसी की जमीन लिखेंगे बिना प्रतिफल का? अगर बिना प्रतिफल उसमें हैया नहीं है जमीन, बिना ऐसे आपने लिया तो क्या हो गया? आपके रजिस्ट्री 0 नहीं हो गई? कानून पे तो कहता है। आप लोग अपनी जमीन नहीं दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिए हैं। हाँ बिल्कुल, अंगूठा थोड़ा नहीं दिया, फोटो थोड़ा नहीं दिया, दस्तखत थोड़ा नहीं किया हूँ, ये कोई अपने अपने मर्जी पर फराडिया सारा काम किया है इसने। हाँ बिल्कुल। आपकी कितनी जमीन गई है? अरे भाई हमारे वो पटदार की वो एक जो है 1 एकड़ 74 डिसमिल का प्लाट है। हाँ 1 एकड़ 74 डिसमिल को प्लाट है, इधर 108 नंबर में 35 डिसमिल इधर ले लिया है। देखिए चाचा का कहना है कि जहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने अभी शिलान्यास गोरखपुर में करके गए हैं, मुसलमानों की जमीन थी उसको हड़पा गया है, उसको जबरदस्ती कब्जे में लिया गया, फिर उस पर शिलान्यास किया गया है। अगर आपको विकास करना है तो क्या किसी की जमीन को हड़प कर उस पर विकास करेंगे? कहाँ का विकास है? ऐसा विकास चाहिए किसी को? मैंने बताइए, खुद आप ही लोग बताइए, ऐसे विकास चाहिए? आपकी जमीन ले ली जाए, मुआवजा ना दिया जाए, हम विकास का काम कर रहे हैं, ये विकास का काम कर रहा है, ये विकास का काम कर रहा है। हम तो मंगता की तरह का लड्डू थमाया है, बिस्कुट थमाया है, पानी है उज्जत थमाया है, वो तो जिंदगी कट जाएगी। और राशन कार्ड में 4 किलो चावल, अब ये लोग झोला थमाए हैं ये भाजपा वाले, एक दिन कटोरा थमाएंगे, ये नोट कर लीजिए। अभी आपको, हाँ बिल्कुल, अभी आपको झोला दिए ना, एक दिन कटोरा देंगे ये सब। हाँ नोट कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए इसको, आपको कटोरा मिलेगा, कटोरा भीख मांगेंगे आप लोग, आप लोग खुद भीख मांगेंगे,
आप लोग देखिएगा आप लोग की क्या दशाएं होंगी। आप लोग का अखबार कोई नहीं पढ़ेगा, मीडिया वालों की बात नहीं कोई सुनेगा, ये देख लीजिएगा आप लोगों का भी भविष्य भी नाश होगा। हम नहीं लेंगे कटोरा, जबरदस्ती देंगे ये लोग तो करेंगे क्या है? आप क्या करेंगे जब देश उद्देश्य इन बागडोर इनके है, पैसा कुल हड़प लेंगे तो कहाँ जाए, रोजगार आपको मिलवे नहीं करेगा, कुछ मिलवे नहीं करेगा तो कहाँ जाएंगे आप? रोजगार नहीं मिला, कहाँ रोजगार मिला है, कौन रोजगार मिला है, क्या विकास की गंगा बह रही है, कहाँ गंगा बहातिया, कहाँ गंगा बहातिया, इतना गंगा बहातिया कि महारो में लगल बा बिटोरा तब झोला में ले जा कैसे रखत बाटे, इतना गंगा बहातिया रहिया रहिया चला तब देखा खुदा खुदा ही अपने लाइव में बिस्कुट बाकटा था मंगता बताओ ऐसा का वो भाई वाह। अरे तो मदारी झूठ बाटे, मदारी झूठ बाटे हो, हाँ मदारी झूठ बाटे देखा, अरे जब मदारी हमारा देखा डबरू बजाई डबरू बड़ा सबूत दे नहीं दिया। अभी अब हम कहते केवल ये मदारी है तो आप कहते कि भाई वह चूतिया आदमी है, प्रदेश के प्रधानमंत्री को मदारी कहता है, डमरू बजाए कि नहीं मुख्यमंत्री, जो डमरू बजाए उसको क्या कहेंगे, मदारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, और जो नाचेगा तो उसको नचनिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, कौन नाचता है क्या नाचे, डमरू किसने बजाया, जिसने डमरू बजाया उसने मदारिया है, और जो मदारिया वही नचनिया है, जो ना भाई जो मदारी है वही नचनिया है, जो जो डमरू बजाया वो मदारी हुआ, और जो मदारिया हुआ नाश्ता भी है, तमाम बढ़िया बढ़िया बात करता है, कुछ लोगों को अपने कस्टडी में ले लेता है, और उसके बाद वो मूर्खों पर आराम से मुर्गा बनाता है। अरे ये सब देश के गद्दार है, गद्दार गद्दार गद्दार, कुछ भी इनकी कितनी भी बुराई कर लीजिए कम है। हाँ आप बता रहे हैं गद्दार है, मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, परिवार है नालायक, सबको सबको गाली दे रहा है, कौन गाली दे रहा है, यही ये प्रधानमंत्री सबको गाली दे रहा है, तो चूतिया दुनिया का अपना औलाद पैदा करती तो उसका ना वो औलाद है, हम किसी को कहते ये मेरा भतीजा है, ये मेरा कोई भांजा है, भाई हम आप जब हम पैदा किए होंगे तब न कहेंगे, वो आपको पूछेंगे आदमी आप कभी अपने अपनी औलाद को अपनी औलाद कहता है, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं इस तरीके से बोलना सही है, अरे बिल्कुल है, गलत बोल रहा है प्रधानमंत्री, जब गलत बोलेगा तो पब्लिक भी गलत बोलेगी, पब्लिक सब मूर्ख नहीं होती है, इसमें कुछ पब्लिक चालाक होती है, वो सबको बता मूर्ख समझ रखा है, मूर्ख है जो मूर्ख है, मूर्ख है सब थोड़ी नहीं मूर्ख है, सब मूर्ख है भाई, मूर्ख सभी है, वो मूर्ख बना रहा है, हे हाल तनी से चना दे दे रहा है, दाल दे दे रहा है, चावल दे दे रहा, और दवाई में खाद सामग्री में दवाई में छुआ दे रहा है, कुत्ता गड़े में बस बराबर क्या होगा, तो वही कह रहा हूँ अभी तो थमाया है झोला, एक दिन थमा देगा कटोरा। हाँ अब घूम घूम क्या कर रहा है, मदारी गिरी कर रहा है, मदारी गिरी मदारी गिरी मदारी गिरी, ऐसे कुल टोटल मदारी है, देश को अगर बचाना है तो ये पूरी पब्लिक पे जिम्मेदारी है कि इनको भगाना है, तो किसके ऊपर विश्वास करें, विश्वास लायक तो कोई है ये नहीं है, दुबई में पब्लिक का नहीं दोष है, पब्लिक ने सबको मौका दी थी, पब्लिक तो मुलायम को भी मौका दी थी, पब्लिक मायावती को भी मौका दी थी, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ बचा उचा खुचा है तो वही कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है, अब प्रधान और कांग्रेस पार्टी को फिर लाई जाए, देश वही चलाएगी। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने अब तक किया क्या 70 साल में, आय आय ये सामने जस्ट आपके लग रहा मेडिकल राज बनाया किसने, भाजपा बनाई है, ये फर्टिलाइजर जो है ये जो बनाई हुई है ये इसको संभाल नहीं पा रहे हैं ये सब, ना अभी तक कंप्लीट कर पाया, ये कांग्रेस ने बनाई, इंदिरा गांधी बनाई भाई, हाँ आप जहाँ खड़े हैं ना इसके जस्ट सामने देखिए फतेहपुर के आप मस्जिद के फतेहपुर आप चौराहे पर खड़े हैं, और जस्ट इसके सामने क्या है मेडिकल कॉलेज किसने बनाया, इंदिरा गांधी बनाई, यहीं पर देख लीजिए तुम मत जाइए, अभी क्या किए मत जाइए, कहे नहीं रोड सारी रोड चमक रही बताते हैं, राम मंदिर बनवा दिया 370 हटवा दिए, तमाम मुद्दे बताते हैं, क्या राशन सबको मिल रहा है, खर्चा सबको मिल रही है, मानो वो सब सियासत, ये सब सियासतबाजी दुनिया समझ रही है, हाँ पूरी दुनिया समझ रही है, एक चीज यही भर समझेगा तो क्या समझेगा, पूरी दुनिया इसको समझ रही है। देखिए आपको डर नहीं लगता, कहाँ कौन डर है, बोलता हूँ गोली मरवा देगा क्या नरेंद्र मोदी हमको, मैं बदमाश हूँ का, मैं मुख्तार अंसारी हूँ का, अतीक अहमद हूँ क्या, फिर बल बताए तो मैं किसी का लूट के गया घसोट करके की जमीन लेके किसी प्रॉपर्टी लेके मैं खाया हूँ का, फिर बताए तो मैं बदमाश रखता हूँ आपको, ये बताइए मैं किसी को मर्डर किया हूँ, ये मतलब चिलुआ ताल है, मतलब जायदाद देखे कोई को साथ का केस है हमारे ऊपर, सही बात तो कहूंगा, कई बातें ऐसी जान चली जाए, सही बात कहना है, देखिए जिसको लगन होगी ना वो कांटों की परवाह नहीं करता है, जिसके अंदर जज्बा होता है वो कांटों की परवाह नहीं करता, हाँ
मतलब 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, केवल ठगी बेईमानी हुआ है, कुछ नहीं हुआ। रेलवे पेलवे सब बेचा है, कुछ नहीं किया है। अब से बता रहा हूँ, हाँ ये डकैत तो भाई साहब, अभी समझने में टाइम लगेगा। 5 साल और देख देख ले, 5 साल और आपकी बार बार देख देख ले, आपकी बात हकीकत कर देगा वो, आपकी बात कर देगा वो। तो फिर करेगा कौन? क्या ये पता है नहीं आपसे? मैं कितनी बार मैं सवार कहूँ कि राज्य देश को कांग्रेस चलाई है, जो जो चलाने का ढंग जानती, फिर उसी को दीजिए, वो नहीं लोग चला पाएंगे। इस सबके मानना ही है। जब कांग्रेस सही थी तो फिर इसको लाया क्यों लोगों ने? किसको? बीजेपी को। बीजेपी को जो है क्या बोलता है लाया है, सबकी किस्मत थोड़ा बदलती है न, मुकद्दर तो अलग अलग है न। अरे कल हम जवान थे, 15 साल के थे, 80 बरस के हो गए, नहीं समझ में आया? तो वैसे परिस्थिति है, बदलती रहती है ना। तो पब्लिक ने जैसे कभी दे दी मुलायम को सरकार, दे दी कभी मायावतिया को, दे दी ठीक नहीं दी, तो वैसे सोची कि तनी हनो को दे दिया जाए तो ढेर तरक्की करी है, बड़ा लेक्चरबाजी करत पा रहा, हाई करत हवा, हाउ करत हवा, करत हवा, लेकिन उसका काम निकला उल्टा निकला। उनको समझ में आ गया कि यही कांग्रेस चलाएगी। मोदी जी हर मंच से एक नारा देते हैं कि ये 40 करोड़ जनता, 140 करोड़ हमारा परिवार है, और वहीं पे एक तरफ मुसलमानों के पिछवाड़े लात मारा जाता है दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत ही ये धोखेबाजी। तो हम पूछ रहे हैं काका की कहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, हुआ है ये तो बहुत गलत आदमी है, ये मतलबी है, सेल्फिश आदमी है, यही मोदी सेल्फिश आदमी है, बहुत मतलबी है। ये जान लीजिए कि ये जो ना तो हिंदुओं को, हिंदुओं का ही जो हितगर है ना, मुसलमान है हितगर है, किसी का हितगर नहीं। जो हितगर होता है वो लड़ाने वाली बात कभी नहीं करता। महिलाएं कहती हैं कि हम एकदम सुरक्षित है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, पहले सुरक्षित थे। कब जा रही थी महिलाओं के साथ, कब बलात्कार हो रहा था, कब हो रहा था बलात्कार? कांग्रेस इंदिरा गांधी ने बलात्कार इसके साथ हो रहा था। अरे यही में बलात्कार औरतियों होती, कैरेक्टर वालूज होती है, मर्दक दोष ना होता है, वो किया मारती तो लौंडे ना किया मारेंगे है? अरे मर्द तू शरीफ हो तो तू के छेड़ी तो तू ऐसे पहले तो औरतियन गलती कर रही आप रैली में गए थे कि नहीं? हम नहीं गए लाली, हम तो यही लाली है, घर ही लाली। आप कह रहे हो मुसलमानों की जमीन है उसको हड़प लिए है, आपके पास कोई साक्ष्य है? बिल्कुल साक्ष्य। तो फिर दिखाए नहीं क्यों कोर्ट में, क्यों नहीं दिखाया आप लोगों ने? आज तो जाएंगे ना अब कोर्ट, अब कोर्ट तो वहाँ का शिलान्यास कर दिया गया। नो कुछ नहीं, शिलान्यास माने का होता, मतलब बनने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं बनने दूंगा, रोक देंगे, बिल्कुल रोक देंगे, बिल्कुल रोक दूंगा। बुलडोजर से वहाँ पे हटा दिया गया टीना टपरी सर, कहाँ हटा दिया? नहीं रोके, कहाँ टीना टपरी? चाची बता रही थी यहाँ पे टीना उना को नहीं हटाया गया है, ये सब टोटल गलत है, एक भी किसी का कोई पूछ नहीं हटाया गया है, हाँ ये सब टोटल गलत है। ये आप सही बोल रहे हैं कि आप लोग की वो जमीन है? हाँ बिल्कुल जमीन है, भैया सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं, हमारी जमीन है भैया। बताइए आप लोगों की जमीन जिस पर योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया है मुसलमानों की जमीन है? हाँ जो चाचा बता रहे हैं शिलान्यास हुआ है वो मुसलमानों की जमीन थी। हाँ मुसलमानों की। तो फिर उस पर कैसे सरकार कब्जा कर रही है? जबरन ले रही है, और कहा जबरन ले रही है, जबरन ले रही है। हाँ भैया ये सही बात है कि वो जमीन जो जिसपे शिलान्यास हुआ है वो मुसलमानों की है? जी सही बात है। देखिए हम इसलिए राय लोगों से ले रहे हैं कि अगर कोई एक आदमी झूठ बोलेगा तो सब तो नहीं झूठ बोलेंगे, हम इसलिए सबसे पूछना चाहते हैं। आपको नहीं पता वो जमीन जिस पर योगी आदित्यनाथ ने, हाँ चलिए बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं कमेंट में अपना एक प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा कि जो योगी आदित्यनाथ ने, जो देखिए ये चाचा का आरोप था और यहाँ पे काफ़ी लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन थी और उसको ज़बरदस्ती कब्जा करके उसमें शिलान्यास किया गया है। अगर आपको विकास करना है तो क्या किसी का जमीन हड़प के ऐसा विकास है? कहाँ का विकास है? ये बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो देखकर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्या जो हो रहा है ऐसा होना चाहिए? धन्यवाद।